हेलो फ्रेंड, दिस इज अजनीश। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो आज हम लोग उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर आए हुए हैं और इस समय जो है यहाँ पर यात्रा चल रही है चार धाम की, केदारनाथ की भी चल रही है। तो आज हम बद्रीनाथ की यात्रा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुंड में जाके हम लोग नहाएंगे। उस कुंड की खासियत ये है कि जो मंदिर के नीचे कुंड है और ये गर्म रहता पानी, ठंडा नहीं है। धूप के साथ साथ जो है बर्फ़ भी यहाँ काफ़ी है। तो आइए देखते हैं कि मंदिर का व्यू वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, जल्दी एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए बद्रीनाथ धाम, भीड़ काफ़ी है यहाँ पर। आइए अंदर चल के लाइन लग के दर्शन करते हैं। आइए चलिए, वो देखिए कुंड जो हमने बताया था आपको, ये देखिए कुंड, ये देखिए भाप निकल रही है। ये जो है गर्म कुंड है, अपने आप प्राकृतिक रूप से ये पानी गर्म आता है। आइए देखते हैं इसको चल के। फ्रेंड आवाज़ सुनिए, बहुत तेज बहाव है इसमें, बहुत तेज बहाव। तो फ्रेंड ये देखिए कुंड, यहाँ से आ रहा है पानी, कुदरती पानी है और बहुत गर्म है। देखिए देखिए सब नहा रहे हैं, बहुत ही गर्म पानी और बहुत ही जो है समझ नहीं आ रहा है कहाँ से इतना गर्म पानी आ रहा है, सब कुदरती है। अब हम जा रहे हैं स्नान करने, बाग में व्यू देते हैं आज। हम लोग करीब दो घंटे से लाइन में लगे हुए हैं और जो है थोड़ी दूर मंदिर बचा हुआ है, चल के दर्शन करते हैं क्योंकि हो सकता है अंदर मोबाइल अलाउ ना हो तो हम लोग मोबाइल नहीं ले जाएंगे। और लाइन दिखाते हैं आपको कितनी पीछे तक और आगे दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड ये देखिए मंदिर पीछे, भीड़ काफ़ी है। ये देखिए प्रसाद, ये देखिए और भी लगे हुए हैं यहाँ, भीड़ बहुत है। करीब करीब आधा घंटा 45 मिनट और लग जाएगा हम लोग को। तो हम लोग ने प्रभु के दर्शन कर लिए थे तो कुछ हमने फोटो डाल के रखी हैं, आप देख सकते हैं। दर्शन कर लीजिए प्रभु के, ये बाबा बद्रीनाथ। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।